पिछले 15 दिन पहले धनबाद के बंद पड़े कोयला खदान में गिरे बच्चे को अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं निकाले जाने के कारण शुक्रवार को विधानसभा सत्र में विपक्ष के लोगों ने सरकार से जवाब तलब किया। वहीं जेबीएम विधायक समरेश सिंह ने कहा कि सोमवार तक अगर बच्चे को कोयले खदान से नहीं निकाला गया तो सदन में खंड युद्ध करेंगे। लेकिन हमने कह दिया अगर सोमवार तक मिलिट्री एक्शन के माध्यम से जिंदा या लाश नहीं उठता तो विधानसभा में हम खंड युद्ध करेंगे और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि धनबाद के उपायुक्त को आदेश दिया गया है कि दोषी अधिकारियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, साथ ही बच्चे के परिजनों को 5 लाख रुपया सहायता राशि सरकार द्वारा दिया जाएगा। सरकार ने इस पर कठोर निर्णय लिया है और अभी मैंने 15 मिनट पहले डीसी को आदेश दिया और डीसी से मैं पूरी जानकारी ली और डीसी को आदेश दिया जिसके से भी गलती से हुआ उसको अविलंब 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करो और जो बिना लाश निकाले मिट्टी ढकने का काम कर रहा है उसको जाकर त्वरित उसको रखवा, लाश वहां से निकलना चाहिए। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं 5 लाख रुपया कंपनसेशन देने का। पीबीएल नजर के लिए कौशिक के साथ सुनील।